Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इससे बहुत लोगों को फ़ायदा भी है और श्रद्धालु जो देखते हैं अभी हम लोग मतलब कि आगे गुरु नानक देव जी के घर में माथा टेकने के लिए जाएं तो उनके लिए बहुत बड़ी ये बात है, खुशी की लहर है कि ये दोबारा खुल गया है और ये गवर्नमेंटों का भी चलो आपस में फिर संधि हुआ है, उसकी वजह से ये शुरू हो गया है। तो हम लोग यही बस खुश हैं इसी से ही कि हमारे डेरा बाबा नानक में इधर फिर दोबारा लोग दूर दूर से फ़ौरन से किधर से आएंगे और आके फिर दर्शन करेंगे और हम लोग भी उनको चेहरे देखेंगे। बस यही मैं बोलेगा अभी बहुत खुशी है। आज बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं हम जी, उसका खुलने के इंतज़ार में काफ़ी संगत जो इंतज़ार कर रही थी और उसके बाद बंद होने के बावजूद भी संगत आती थी लेकिन वो जा नहीं पाती थी उस बार, इसलिए वो वहीं जो बना हुआ स्थल बना हुआ है उसी से दर्शन दूरबीन से करती थी। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है कि ये अपना हमारी सरकार ने इसको खोल दिया है और ठीक है जो कोविड की अपनी है वो भी साथ साथ चलेगा ही, लेकिन मेरे ख्याल से तो पूरा पंजाब का पूरा हिंदुस्तान इससे बहुत ज़्यादा खुश है जी। जते चले बीबी जते जगारा ला दो, जते चले जगारा ला दो। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये तो हम बहुत उम्मीद से बैठे थे मोदी गवर्नमेंट से कि ये जो है ये करतारपुर कॉरिडोर है जल्द से जल्द खोले, क्योंकि बहुत जो संगत है वो यही काफ़ी देर से अरदास पे अरदास कर रही थी कि ये जो कॉरिडोर है खुल जाए और यहाँ पे एक बार फिर हमारे यहाँ पे रौनक है वो लग जाए।